सब ना भगवान के तरीके हैं आपको अपने करीब लाने के। जैसे कहता है कि माँ बाप कई बार उनके घर में छोटा बच्चा है और माँ बाप बाहर की चीजों से झंझट से आते हैं तो गुस्सा बच्चे पर उतर जाता है। अब छोटा बच्चा नादान है तो आपसे डर जाता है, आप डांट दिया चिल्लो डर जाता है, अब आपके पास नहीं आता, आप उसको अपने पास कैसे लाते हैं? इससे लालच, आप लालच देते हैं। पहले के समय में चॉकलेट दिखाते थे, आइसक्रीम दिखाते थे, आजकल फोन दिखाते हैं, आईपैड टैब दिखाते हैं ना, ये देखकर बच्चा आपके यानी लालच देते हैं, वो लालच से आपके पास आता है। जब कई बार हमारे जीवन में दुख संकट आ जाते हैं, हम भगवान से दूर हो जाते हैं, डर जाते हैं, तब भगवान हमें लालच देते हैं। अब देखिए सांसारिक लालच भगवान दे नहीं सकते, मतलब दे तो सकते हैं पर देकर फायदा नहीं है, क्योंकि व्यक्ति तो काम कर ही रहा है। अब धन दौलत का लालच देकर क्या हो गया, भगवान को नहीं मानने वाला भी तो धन दौलत कमा ही रहा है, वो तो व्यक्ति खुद कर ही रहा है, तो भगवान ऐसे लालच दे रहे जो आपके बस की नहीं है। भगवान कहते कल्याण कर दूंगा इधर, पाप काट दूंगा इधर, नाम लेने से नरक नहीं जाएगा मेरे पास आ तो सरी, क्योंकि भगवान कहते हैं मैंने इनको नहीं छोड़ा, इन्होंने मुझे छोड़ा है। आपको जरूरत है भगवान की ओर कदम बढ़ाने की, भगवान को अपना बनाने की, भगवान पर भरोसा ऐसा रखिए जैसे एक बच्चा अपने माँ बाप पर रखता है। और मैं हमेशा कहती हूँ माँ बाप को कि ये भरोसा अपने बच्चों में लाइए। कई बार मैं अच्छे से जानती हूँ ये लाइन कोई भी माँ बाप इसका मतलब रखते नहीं है पर बोलने को कह देते हैं, वरना संकट आए तो हर माँ बाप बच्चे के लिए खड़े होते हैं। पर कई बार जब आप बच्चों से कहते ना कि कुछ गलत मत करना, मेरा नाम खराब नहीं करना, मर जाऊंगा, कई कहते अपने बच्चों से ऐसी बातें करते हम मर जाएंगे, ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना, हमारा नाम नहीं खराब करना, इज्जत नहीं खराब करनी। पर इंसान इंसान होते हैं, इंसानों से गलतियां होती है, आपसे भी हुई होगी। मैं हमेशा कहती हूँ माँ बाप अगर एक बार खुद का जीवन मुड़ कर देखे उनसे भी बहुत गलतियां हुई है, बच्चों से भी हो सकती है। पर अब मान लीजिए बच्चे से अगर गलती हो गई तो आपके पास आएगा तो डर गया, इनको तो बता ही नहीं सकते, तब उस गलती को ठीक करने की कोशिश करता है। अब वो दूसरों से मदद मांगता है। अब दुनिया को जितना आप समझते हैं कोई नहीं समझता कि हाँ दुनिया उसकी सहायता करने नहीं बैठी है, उसका फायदा उठाने बैठी है। तो जब आप अपने बच्चों को अपने से दूर कर देते ये कहकर और वो दुनिया वालों से मदद मांगते हैं तो कहीं ना कहीं वो दुनिया वाले उनका इतना फायदा उठाएंगे, इतना गलत करेंगे उनके साथ, अंत में वो आपके ही पास आएंगे पर पूर्ण रूप से खत्म होकर, तो उनको लग रहा है कि क्या हो गया। तो इससे अच्छा ये नहीं है कि अपने बच्चों को ये कह देना कि ध्यान से रहना, संभल के रहना, बच कर रहना, कुछ ऐसा मत करना कि तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाए, लेकिन फिर भी अगर कुछ गलती हो गई मेरे पास आ, सब संभाल लो, डरना मत, मेरे पास आ, ये अच्छा नहीं है। तो ऐसा विश्वास जिस बच्चे के मन में होता है ना कि वो कितनी भी बड़ी गलती कर ले वो अपने माँ बाप के पास ही आता है, क्योंकि उसको पता है कि ये मुझे डांट लेंगे, ये मुझे मार भी लेंगे पर बचाएंगे यही, ऐसा विश्वास भगवान पर लेकर आइए। जिस दिन ऐसा विश्वास आपको भगवान पर हो गया ना उस दिन बड़े से बड़ा संकट भी आपके सामने आ जाए आपको नहीं हिला सकता, क्योंकि आपका विश्वास भगवान पर है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो मुझे हारने नहीं देगा।